नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी आज आपके लिए एक नई जानकारी लेकर कि क्या करें जिससे आपके डॉग को कभी टिक्स हो ही ना, और अगर टिक्स हो जाए तो क्या क्या उपचार करने चाहिए, कब कब वेटनरी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हम लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हमारे डॉग को एक दो टिक्स काट ले तो हमारे डॉग को टिक फीवर नहीं होता, या जब हम पूछते हैं आपके डॉग को कभी टिक्स हुए तो हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक या दो टिक्स हुआ था और उसको मैंने मार दिया, तो टिक फीवर होने की कोई परेशानी नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये एक मिथ है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों को 100 मच्छर काट लें और मलेरिया ना हो या डेंगू ना हो, लेकिन एक मच्छर ऐसा हो जिसके पास में मलेरिया का पैरासाइट हो या डेंगू का पैरासाइट हो, तो एक मच्छर से ही हम लोगों में डेंगू या मलेरिया हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपके डॉग को जो टिक्स काटता है जिसके पास में इलीचिया कैनेस या बबेसिया है साथ में, तो उसे टिक फीवर हो जाएगा। लेकिन अगर 100 टिक्स चिपके रहे जिनके पास में इलीचिया कैनेस या बबेसिया नहीं है, तो आपके डॉग को टिक फीवर नहीं होगा। तो दोस्तों, एक टिक भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके डॉग की ज़िंदगी के लिए, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके डॉग के लिए एक टिक्स ही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए बेहतर उपाय ये है कि आप अपने डॉग को टिक्स होने ही ना दें, अगर हो जाए तो प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जिन्हें आप घर पे खुद ही कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जिन्हें आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको अपने वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्या करें कि आपके डॉग को टिक्स हो ही ना, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप अपने जब डॉग को घुमाने ले जाते हैं तो ऐसी जगह पर घुमाने ले जाएं जहाँ पर बहुत बड़ी घास न हो, जहाँ पर लकड़ियों का जमावड़ा न हो और जहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ न पड़ी हुई हों। ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर गंदगी होती है। कहने का एक लाइन में अर्थ ही है, जहाँ पर गंदगी न हो वहाँ पर आप अपने डॉग को टहलाने ले जाएं। जब भी टहलाकर आप अपने डॉग को लेके आते हैं, दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी आप अपने डॉग को टहला के लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको जो हमारे डॉग के पंजों में जो इंटरडिजिटल स्पेस होती है उनको चेक करना है, गर्दन को चेक करना है, आर्मपिट को चेक करना है और ईयर फ्लैप जो अंदर वाले कान होते हैं उनको चेक करना है कि कहीं उसमें आके कोई टिक चिपक तो नहीं है। अगर वो टिक्स चल रहा है तो आप उसको निकाल के फेंक दें, लेकिन अगर वो टिक्स चिपका हुआ है तो आप उसको निकालिए, साथ में प्रिकॉशन लीजिए कि आपके डॉग को टिक फीवर न हो। तीसरी चीज़, अगर मान लो टिक्स आपके डॉग को हो गए हैं तो दोस्तों उसके लिए बहुत सारे आज के टाइम में बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, स्पॉट ऑन आते हैं, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी टैबलेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करने के बाद में आप अपने डॉग को टिक फ्री रख सकते हैं। अब बन बाई बन बात करते हैं कि टैबलेट कौन कौन सी हैं। एक नेक्सगार्ड की टैबलेट आती है, दूसरी ब्रेवेक्टो की टैबलेट आती है, तीसरी न्यूमेक की टैबलेट आती है, लेकिन ये सारी टैबलेट वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो कोशिश ये करें कि जब भी मेडिकेशन दें अपने वेटनरी डॉक्टर के सजेशन से दें, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, किसी की डोज कुछ होती है, किसी की डोज कुछ होती है, तो बिना वेट लिए विदाउट वेटनरी डॉक्टर की कंसल्टेशन के न लें ये दवाई। दूसरा शैम्पूज आते हैं जैसे एक्सटिक हो गया, और जिनमें ऐसे समझिए जिनमें टिक्स को मारने और हटाने के लिए जिनमें बहुत सारी मेडिकेटेड शैम्पूज हैं उनको आप यूज कर सकते हो। उनमें बहुत सारे सॉल्ट पड़े होते हैं जो टिक्स और फ्लीज को हटाने के लिए होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे स्पॉट ऑन आते हैं बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग, कुछ का वेट जैसे 2 से 10 किलोग्राम के लिए या 4 से 10 किलोग्राम के लिए आता है, 10 से 20 किलोग्राम के लिए आता है, 20 से 40 किलोग्राम के लिए आता है, 40 से 60 किलोग्राम के लिए आता है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी आप इनको यूज़ करें तो मेनली थोरेसिक रीजन पर यूज़ करें, नाम ही स्पॉट ऑन है, स्पॉट एक ही जगह यूज़ करना होता है, 1 से 2 जगह यूज़ कर लीजिए आप। लेकिन लंबर रीजन की साइड पर यूज ना करें, केवल पीठ के ऊपर ही यूज़ करें थोरेसिक रीजन पर, जिससे आपका डॉग अगर घूमकर लिक करना भी चाहे तो उस मेडिसिन को लिक ना कर सके, क्योंकि वो उसके लिए एक तरीके का पॉइजन है। अब कुछ बहुत सारे पाउडर्स भी आते हैं जैसे नोटिक्स पाउडर हो गया, टिक फ्री पाउडर हो गया,
उनको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पाउडर यूज करते समय पहले तो ये ध्यान दीजिए कि कहीं आपका डॉग उसको लिक ना कर ले। दूसरा ये उसके फेस पे नहीं जाना चाहिए। तीसरा ये है कि उसकी आँख को बचाना है, इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, वरना एक तरीके का रिटेंट की तरह काम करेगा और हो सकता है कि आपके डॉग में आँख में पड़ जाए तो आँख में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। दोस्तों बहुत सारे स्प्रे भी यूज में आते हैं, उनको आप बॉडी पे कर सकते हैं। कुछ को अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वहाँ पे आप अपने डॉग को वीकली या 10 दिन में या 15 दिन में बॉडी पे स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी के स्प्रे भी आते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। तीसरा आप ये एक डिप मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम एक टैंक में पानी भरने के बाद में उसमें एक विट्राज या मेट्राज सॉल्ट आता है उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो विदाउट वेटनरी कंसल्टेशन के यूज न करें। वो एक तरीके का पॉइजन है, अगर उसको अगर आपने ज़्यादा मात्रा में भी दे दिया तो आपके डॉग को हो सकता है कि पैरालिसिस हो जाए। उसको विदाउट वेटनरी कंसल्टेशन की या वेटनरी डॉक्टर की विदाउट परमिशन के उसको यूज न करें, कभी भी खुद आजमाने की कोशिश ना करें। उसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, अगर आप जैसे यूज करेंगे तो विद इन 5 to 10 minutes टिक्स निकल के बाहर निकलने लगते हैं। दोस्तों इसमें एक कॉलर भी आता है, टिक कॉलर जिसको हम बोलते हैं, टिक कॉलर भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी 3 तरीके के आते हैं, स्मॉल में आता है, मीडियम में आता है, लार्ज डॉग के लिए आता है। तो जब भी टिक कॉलर को यूज करें तो ये ध्यान दें कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम 2 फिंगर का गैप होना चाहिए। दूसरा ये उसका जो लास्ट एंड अगर बड़ा हुआ रहता है तो उसको काट दें, अगर काटेंगे नहीं तो हो सकता है कि आपका डॉग पकड़ के उसको खींच ले या खाने के लिए च्यू करने की कोशिश करे। अगर वो भी एक तरीके का पॉइजन है तो उससे आपके डॉग को हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ साइड इफेक्ट है बॉडी में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, अगर ढीला रखोगे तो उस पर जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे, वो स्किन के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, और इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रख सकते हैं। चौथा क्या, पाँचवा, आप शैम्पू यूज कर सकते हैं, टिक डिप यूज कर सकते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं इसके यूज़ के लिए, इंजेक्शन जैसे आइवरमेक्टिन हुआ, डोरामेक्टिन हुआ, मेक्सोमेक्टिन हुआ, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें वो भी एक वेटनरी से कंसल्ट करके ही दें, क्योंकि वेटनरियन से कंसल्ट करेंगे तो उसको एक प्रॉपर डोज पता होती है कि भाई इतने प्रॉपर डोज में टिक्स रीज के लिए होता है, इतने डेमोडिकोसिस में होता है, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो भी उसके भी साइड इफेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ पाउडर्स हुए, स्प्रे हुए, जिनको आप एक बार कंसल्ट करके डॉक्टर से बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसे हैं जिनको आप विदाउट वेटनरियन के कंसल्ट के बिना नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इन चीज़ों को दें तो एक बार वेटनरियन से ज़रूर कंसल्ट करें। बाकी अगर आप इतना सारा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके डॉक्टर द्वारा टिक्स होंगे। और दोस्तों ये जो टिक्स है ये मार्च के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डॉग को अगर एक टिक्स भी हो गया तब भी उतनी ही संभावना है आपके डॉग को टिक फीवर होने की है जितनी 100 टिक्स की। और दोस्तों एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप अपने डॉग को बाहर टहलाने ले जाएं तो एक बार ज़रूर वापस जब लेके आएँ तो एक बार ज़रूर पूरा बॉडी चेकअप करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में हर तीसरे या चौथे डॉग को टिक फीवर हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग टिक को ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर साहब बस लगाई तो था निकाल के फेंक दिया। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग इतना अवेयर नहीं है कि टिक से इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और दोस्तों टिक फीवर इतनी खतरनाक बीमारी है कि शुरुआत में क्या होता है कि आपका डॉग धीरे धीरे सुस्त रहता है, खाना पीना कम खाता है, और हम डॉक्टर के पास तब लेके जाते हैं जब वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है, वोमिटिंग स्टार्ट कर देता है। उस समय डॉग का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत नीचे आ जाता है, प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे गिर जाता है, और कभी कभी ये नौबत आ जाती है कि डॉग की किडनी भी ख़राब हो जाती है। तो बेहतर ये है कि टाइम टू टाइम अपने डॉग को चेक करते रहें, टिक्स न होने दें तो आपके डॉग को टिक फीवर जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।